खंडवा से बड़ी खबर का, जहां पर एक मरीज पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल की ये खबर है, जहां पर एक मरीज भर्ती था जिस पर ये हमला हुआ है। दो दिन पहले ही चाकू से इस पर हमला किया गया था। वही मरीज की हालत गंभीर है, उसे इंदौर भी रेफर किया गया है। आरोपियों की तलाश में अब मोघट पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर मरीज को इंदौर रेफर किया गया। आपको बता दें कि मरीज की हालत को देखते हुए अब खंडवा से उसे इंदौर इलाज के लिए रेफर किया गया। दो दिन पहले ही चाकू से मरीज पर हमला किया गया था। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर अब मरीज को रेफर किया जा रहा है, वहां पर आगे के इलाज किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में भर्ती मरीज पर जानलेवा हमला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, पूरा मामला समझाइएगा। अस्पताल में सोहेल नाम का एक शख्स जो है वो पहले से भर्ती था। दो तीन दिन पूर्व उस पर किसी प्रकार का हमला हुआ था और हमला होने के बाद उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कल रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उस पर जानलेवा हमला करके मौके से फरार हो गए। और इसमें सबसे बड़ी चीज एक सामने आई है कि पूरी घटना का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग जो है वो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो इसमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ में किसी प्रकार का हथियार लिए हुए। जी जी, चलिए इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा प्रतीक, क्योंकि अस्पताल में अगर कोई मरीज भर्ती है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं ली जा रही और वहां पर जानलेवा हमला होता है, तो इससे कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।